जोधपुर में नई सरकारी नौकरी मिलने के उत्साह व उमंग के साथ ड्यूटी ज्वाइन करने जा रही एक युवती के सपने एक बेकाबू एसयूवी ने बीच रास्ते में बिखेर दिए। हाल ही में पटवारी के पद पर चयनित हुई बहन को ड्यूटी ज्वाइन करवाने भाई बाइक पर ले जा रहा था। जोधपुर के बीच हाईवे में एक बेकाबू एसयूवी ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बहन भाई काफी दूरी पर उछल कर गिर गए। दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं सड़क हादसे के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उनका आरोप है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर भाई बहन की हत्या की है और इसे हादसे का रूप देने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर मैसेज भी वायरल हो रहे हैं। वहीं हादसे के बाद लूणी में एक बार बाजार पूरी तरह से बंद हो गया है। जोधपुर जिले के लूणी क्षेत्र के सरगांव निवासी कविता पटेल का हाल ही में पटवारी के पद पर चयन हुआ था। सुबह अपने भाई रमेश पटेल के साथ एक बाइक पर सवार होकर तहसील कार्यालय में ड्यूटी की ज्वाइनिंग देने जा रही थी। पटवारी बनने से न केवल कविता बल्कि पूरा परिवार उत्साहित था। सुबह वो अपने भाई रमेश के साथ खुशी खुशी घर से रवाना हुई। सरगांव से थोड़ा आगे निकलते समय ही सामने से आने वाली तेज रफ्तार एसयूवी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक एसयूवी के अगले हिस्से में फंस गई। ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की बजाय स्पीड को और बढ़ा दी। बाइक को करीब 200 फीट तक घसीटते हुए ले गए। रास्ते में एक तरफ रमेश नीचे गिरा तो दूसरी तरफ उछल कर कविता गिर गई। नई नौकरी ज्वाइन करने के सारे अरमानों के साथ सारा सामान रास्ते में बिखर गया। दिल को दहला देने वाले इस हादसे से ग्रामीण आक्रोशित हो गए। मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। लोगों का कहना है कि यह हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित तरीके से की गई हत्या है। एसयूवी से कुछ हॉकी स्टिक व बेसबॉल बैट भी बरामद हुए हैं। हालांकि पुलिस ने इस बारे में अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।